और उनको क्लोजर एस्टीमेट देना है नियरेस्ट पे मतलब किसी नंबर को हम जितने छोटे प्लेस पे एस्टीमेट करते हैं तो वो क्लोजर एस्टीमेट होता है और जितने हम बड़े नंबर्स पे जैसे हंड्रेड पे थाउजेंड पे दूर जाते जाएंगे बड़े नंबर्स पे जाते जाएंगे तो जो वो हमारा एस्टीमेट होता है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा दूर होता है तो हमें इन क्वेश्चन के लिए एक बार रफ एस्टिमेट देना है हंड्रेड प्लेस पे एस्टिमेट करके एक बार क्लोजर एस्टीमेट करना है नंबर्स के आंसर का कहाँ पे एस्टीमेट करके टेंस प्लेस पे जैसे ये फर्स्ट पार्ट में थ्री नंबर्स हैं फोर थर्टी नाइन थ्री थर्टी फोर फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवनटीन इन तीनों नंबर्स को हमने पहले क्या करना है रफ एस्टीमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड प्लेस ठीक है तो पहले हम करेंगे ये पार्ट लिखा हुआ है मेरे पास तो पहले मैंने लिख दिया ऊपर क्योंकि तीनों को सेम प्लेस पे करना है तो एक ही लाइन में लिख दूंगी मैं रफ एस्टिमेट टू द नियरेस्ट हंड्रेड प्लेस हंड्रेड प्लेस पे करेंगे ए पार्ट कर रही हूं मैं नियरेस्ट हंड्रेड प्लेस एस्टिमेट करना अब तक आ गया वो फोर थर्टी नाइन है थ्री हंड्रेड थर्टी फोर है और फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटीन है तो फोर हंड्रेड थर्टी नाइन को हंड्रेड प्लेस पे करेंगे फोर हंड्रेड है इसके साथ वाला थ्री है तो ये फोर हंड्रेड का फोर हंड्रेड रहेगा थ्री हंड्रेड थर्टी फोर है तो थ्री हंड्रेड के साथ वाला 3 है, इसलिए थ्री हंड्रेड का थ्री हंड्रेड रहेगा फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड हंड्रेड प्लेस पे एस्टिमेट करना है तो हंड्रेड प्लेस पे क्या है थ्री और साथ वाला वन है तो ये भी थ्री का थ्री रहेगा यानी कि थ्री हंड्रेड रहेंगे और इधर उधर वाला नंबर लेफ्ट साइड वाला एज इट इज फोर थाउजेंड थ्री थ्री हंड्रेड तो इस तरह से इन तीनों नंबर्स को हमने कहा एस्टीमेट कर दिया हंड्रेड्स प्लेस पे और इनको प्लस करना है तो इनको हमने ऐड कर दिया फोर ओ थ्री सेवन ओ थ्री टेन की जीरो वन फोर एंड वन फाइव और आंसर आ गया हमारे पास फाइव थाउजेंड क्लियर अब इसी सम को हमने कहाँ करना है क्लोजर एस्टिमेट टू द नियरेस्ट टेंस तो क्लोजर एस्टिमेट टू दीरस्ट प्लेस फोर हंड्रेडी नाइन को अब टेंस प्लेस पे एस्टिमेट करेंगे ये है, साथ नाइन है तो ये थ्री का क्या बन जाएगा फोर तो ये बन गया आपके पास फोर हंड्रेड फोर्टी इसी तरह से ये टेंस प्लेस पे थ्री और सात वाला नंबर फोर है इसका मतलब ये थ्री का थ्री रहेगा यानी कि थर्टी रहेगा और थ्री एज इट इज यहाँ टेंस प्लेस पे वन है और सात वाला नंबर सेवन है इसकी वजह से ये क्या बढ़ जाएगा टू हो जाएगा यानी कि सेवनटीन का बन जाएगा ट्वेंटी और इधर फोर्टी थ्री एज इट इज इसको ऐड करेंगे हम जीरो फोर प्लस थ्री सेवन सेवन और टू नाइन फोर थ्री सेवन और थ्री टेन के जीरो वन फोर एंड वन फाइव जब हमने रफ एस्टिमेट से इसका सम किया तो क्या आया फाइव थाउजेंड जब हमने क्लोजर एस्टिमेट से सम किया तो क्या आंसर आया इसका फाइव थाउजेंड नाइन्टी हम चेक कर सकते हैं अगर इन इन नंबर्स को हम बिना एस्टिमेट के ऐड करके देखें बिना एस्टीमेट के आप रफ में इनको ऐड करके देखो इन नंबर्स को 439, 334 और ये हमारे पास है 4, तो ये आया हमारे पास 5090 ये हमारा कौन सा आंसर है एक्चुअल आंसर है ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपको बता रही कि ये क्लोजर एस्टीमेट क्लोजर कैसे हुआ देखो ये एक्जैक्टली वही का वही आ गया जरूरी नहीं है हर बार ये एग्जैक्टली exactly हो लेकिन जो क्लोजर एस्टिमेट होता है वो एक्चुअल आंसर के बिल्कुल नजदीक होता है और जो रफ एस्टिमेट होता है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ी दूर होता है तो ये आपको नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है ये मैंने आपको समझाने के लिए ही करके दिखाया था इसी तरह से बी पार्ट में ये नंबर्स हैं हमारे पास तो इनको भी पहले किस पे करना है एस्टिमेट दोनों नंबर्स को हंड्रेड प्लेस पे इस तरह से और फिर दोनों नंबर्स को टेंस प्लेस पे लेकिन सब माइनस का है तो दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो ये सी पार्ट है इनको भी हमने उसी तरह से रफ एस्टिमेट हंड्रेड प्लेस पे और क्लोजर एस्टीमेट नियरस्ट प्लेस पे दोनों पार्ट्स माइनस के हैं तो एक पार्ट ये सी मैं आपको करके दिखा रही हूँ डी आप अपने आप करोगे इस तरह से मैंने ए आपको करके दिखाया था बी आप अपने आप करोगे तो हमने एस्टिमेट करना इसको है इसको हंड्रेड प्लेस पे एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव है हंड्रेड प्लेस पे ये थ्री हंड्रेड है लेकिन सात वाला नंबर टू है जिसकी वजह से थ्री हंड्रेड का थ्री हंड्रेड रहेगा इससे पहले एट लिखा हुआ है ये लिख देंगे एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड नंबर दूसरा फोर हंड्रेड नाइन्टी वन है जब इसको ये फोर हंड्रेड है सात वाला नंबर क्या है नाइन तो ये क्या बन जाएगा फाइव हंड्रेड ध्यान रखना है आपको जब नंबर वन टू थ्री फोर होता है पास वाला नंबर तो नंबर वही का वही रहता है और अगर नंबर हमारा फाइव सिक्स सेवन एट नाइन होता है ये पास वाला नंबर तो नंबर एक इंक्रीज हो जाता है और हमने इसको माइनस करना था तो माइनस कर देंगे जीरो जीरो थर्टी माइनस फाइव एट और यहाँ बच गया सेवन तो ये आ गया सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड अब इसी को टेंथ प्लेस पे एस्टीमेट करते हैं यही नंबर कर रहे हैं हम सी पार्ट एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और टेंथ प्लेस पे क्या है टू और सात वाला नंबर फाइव क्या कह रहा है ये टू का बन जाएगा थ्री यानी ये हो जाएगा थर्टी और इधर वाले नंबर ऐसे के ऐसे और इसी तरह से दूसरा नंबर फोर हंड्रेड नाइन्टी वन था इसको भी टेंस पे करना था टेंस पे नाइन है सात वाला नंबर क्या है वन तो ये नाइन का नाइन रहेगा नाइन्टी और ये फोर और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जीरो थर्टीन माइनस नाइन फोर यहाँ बच गया टू ट्वेल्व माइनस फोर एट और ये क्या बच गया हमारे पास सेवन तो सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी इस तरह से हमने इसका रफ एस्टिमेट कर दिया और फिर क्लोजर एस्टिमेट कर दिया तो यहां इस सेकंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये लिखा हुआ है मेक फोर मोर सच एग्जाम्पल्स कि ऐसे ही फोर क्वेश्चन आप अपनी तरफ से बनाओ प्लस के या माइनस के और उनकी प्रैक्टिस आप रफ नोटबुक पर करो तो ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से भी इजी था क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने खुद सोचना था कि जनरल रूल में हमने कहाँ पर एस्टीमेट करना है और यहाँ पे हमें गिवन ही है कि एक बार हंड्रेड्स पे एस्टीमेट करना है और एक बार टेंस पे एस्टीमेट करना है सो कीप प्रैक्टिसिंग थैंक यू